गाइस, मैं अनु सिंह स्वागत करती हूँ आपका स्मार्ट प्रिपरेशन में। ये है साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर का पार्ट टू। इसके पहले मैं पार्ट वन पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें 50 क्वेश्चन मैं लेके आई थी, जो कि क्विक रिवीजन था। ये एग्ज़ाम जो आने वाले हैं ग्रुप डी के, उसके लिए मैं जितने भी मोर देन 200 क्वेश्चन डिस्कस किया है मैंने, उसका ये क्विक रिवीजन है। तो ये आप डिटेल में जानने के लिए आप उस डिटेल वीडियो को देखिए, और ये रिवीजन करने के लिए इसको देखिए, ठीक है। तो ये इसका सेकेंड पार्ट है, इसमें मैं 50 क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। ये है पहला क्वेश्चन है, आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है स्ट्रॉन्सियम के थोड़ा थ्रू, ठीक है। इसका आंसर होगा स्ट्रॉन्सियम, ठीक है। जो आतिशबाजी यानी कि जो हम लोग पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, तो उसमें जो लाल रंग निकलता है वो किसके कारण निकलता है? स्ट्रॉन्सियम के थ्रू। और हरा रंग किसके थ्रू निकलता है? आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण निकलता है? तो वो निकलता है बेरियम के थ्रू, ठीक है। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, ये होता है लाल रंग स्ट्रॉन्सियम और हरा रंग बेरियम के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? तो उदासीनीकरण क्रिया में लवण बनता है और जल बनता है, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी है? अगर किसी को मलेरिया हुआ है, तो उसके जो परजीवी से हुआ है यानी कि जो बैक्टीरिया है, उसको नष्ट करने में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है क्लोरोक्वीन के द्वारा, ठीक है, क्लोरोक्वीन, ठीक है। और एक बात और, ये सिर्फ रिवीजन है, अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप मेरे जाके प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे साइंस के 200 क्वेश्चन से उसको देख सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं पहला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है? कुकिंग गैस जो सिलेंडर जो हम लोग यूज़ करते हैं एलपीजी, उसमें किसका मिश्रण होता है? वो होता है ब्यूटेन एंड प्रोपेन का, क्योंकि एलपीजी में कोई अपना गंध नहीं होता, अगर वो लीक होगा तो पता नहीं चलेगा। तो ये इसमें मिलाया जाता है, जो गंध आपको पता चलता है वो इन्हीं का गंध होता है, एलपीजी का खुद का कोई गंध नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? तो वो है हीरा, दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन के कारण, जो विद्युत जो वायर है उसमें जो करंट प्रवाह हो रहा है वो किसके कारण होता है? जो सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है? जो परमाणु भट्टी आपने सुना होगा, देखा भी होगा, तो उसमें जो भट्टी में किसका ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का, ठीक है, यूरेनियम को यूज रिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या है? तो आरडीएक्स का फुल फॉर्म है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, ठीक है, इसका है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग होता है? तो ये होता है पॉलीकार्बोनेट, जो बुलेट प्रूफ चाहे वो जैकेट हो या फिर कोट हो, कुछ भी जो बुलेट प्रूफ बनाया जाता है उसमें बहुलक किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट का, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट गैस है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू गैस यानी कि टीयर गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है एंसीटोफिनोन, ठीक है, क्लोरो एंसीटोफिनोन, इसका आपका नाम है आंसू गैस का। ये जो आंसू गैस है, जो अभी जो उस टाइम वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें ये गैस यूज किया गया था, इसमें अगर ये गैस छोड़ा गया तो आंखों से आंसू निकलेगी और आंसू के साथ साथ जलन होगा और इंसान अंधा भी हो सकता है, ठीक है। इसके कई सारे रूप हैं, जैसे कि OS, ठीक है, CS, CR, CN, जो ये CN है ना, ये CN ये प्याज में पाया जाता है, प्याज की मात्रा में, प्याज में ये CN पाया जाता है, जिसको बोलते हैं सिनप्रोनोमियम एस ऑक्साइड, ठीक है, इसको बोला जाता है, जो प्याज में पाया जाता है CN। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण आती है? वो आती है पोटेशियम के कारण, आपने देखा होगा जब प्याज काटते हैं या फिर खाने के बाद जो गंध आती है वो पोटेशियम के कारण आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है ब्यूटेन का। पनीर किसका उदाहरण है? तो पनीर है जेली का एक उदाहरण है। पेट्रोल मिश्रण किसका है? तो ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है पेट्रोल। नेक्स्ट है, पॉलीथीन प्राप्त होता है किससे? एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त होता है, जो कि बहुत जगह बैन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संश्लेषित रेशा का कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? तो रेयान, जो रेयान है ये कृत्रिम यानी कि खुद से बनाया गया जो रेयान है, सेलुलोज का बना होता है, ठीक है, सेलुलोज को इंसान नहीं पचा सकता है। एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? तो वो है हीरा,
ठीक है, हीरा जो है कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है यानी कार्बन का अपर रूप है। नेक्स्ट है डायनामाइट में प्रमुख रूप से पाया जाता है, डायनामाइट में क्या पाया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है डायनामाइट, ठीक है, डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों को क्या होता है, जो वेल्डिंग की जाती है उसमें कौन से गैस होते हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निशामक में कौन सी गैस निकलती है, जो अग्निशामक होता है उसमें कौन सी गैस निकलती है, उसमें निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि अब इसका मतलब ये हुआ, जो सिलेंडर मॉल वगैरह में देखे होंगे एक रेड कलर के सिलेंडर होती है, तो जब आग उग लगती है तो उसमें उसका यूज किया जाता है, उसमें कौन सा गैस भरा होता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा होता है। रबर को मजबूत एवं उछाल लायक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, जो रबर को मजबूत बनाने के लिए और उसको फ्लेक्सीबल या उछाल लायक बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है, सल्फर, ठीक है, इसको एस से डिनोट करते हैं। कच्चा एल्यूमिनियम को किस नाम से जाना जाता है, तो ये पाइराइट, जो कच्चा एल्यूमिनियम उसे पाइराइट नाम से जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहती है, सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, नाइट्रोजन होता है लगभग 78%, फिर होता है आपका ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर उसकी बात करें अक्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस में, तो उसमें होता है आर्गन सबसे ज़्यादा अधिक होता है, ठीक है, 0.93। नेक्स्ट है गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था, ये किया था सीबी देसाई ने। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, संचालक, ठीक है, तो ये किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। माइका क्या है, माइका विद्युत का यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक है, ठीक है, लेकिन ये ताप यानी कि हीट का सुचालक है। ये अगर पूछा जाए कि गुड कंडक्टर ऑफ ताप यानी कि टेम्परेचर, तो माइका, और बैड कंडक्टर ऑफ विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, तो होगा माइका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट स्केल पर क्या होता है, तो 212 फारेनहाइट होता है। इसका मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ, फॉर्मूला भी बता चुकी हूँ, आप जाके डिटेल वीडियो देखिए, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है, आपने सोडा वाटर पिया होगा, उसमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर का क्या है, कौन सा ट्रिगर काम करता है, तो वो नाइट्रोजन। नाभिकीय विखंडन से परमाणु बम बनाया जाता है, ठीक है, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, जो उसका प्रक्रिया को बढ़ा देता है, तो वो न्यूट्रॉन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्वों में अंतिम रूप से परिवर्तित होते, जितने भी भारी रेडियो सक्रिय तत्व हैं जब किसी से अभिक्रिया करते हैं तो अंतिम रूप में क्या देता है, तो वो देता है लेड यानी कि सीसा यानी कि पीबी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पीबी, लेड, सीसा, तीनों। आधुनिक आवर्त सारणी का आधारित है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है किस पर आधारित है, वो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है, वो परमाणु क्रमांक के हिसाब से जो आवर्त सारणी उसको लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने का आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है, जो सोना बनाया मिलता है प्योर, थोड़ा 100% प्योर नहीं होता है, ठीक है, उसमें क्या मिलाया जाता है, कैरेट होता है, 98-92 ऐसे कैरेट होता है, तो उसमें मिलाया जाता है आपका तांबा, ठीक है। नायलन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है, तो ये है एडिपिक अम्ल। नायलॉन आप सुने होंगे, कपड़ा भी है वो नायलॉन के तार वगैरह, वायर, सॉरी, रस्सी वगैरह आते हैं, उसमें बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है, तो एपिडिक अम्ल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, ये है रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती जो जलती है, जलने के बाद ही वो रोशनी पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है, तो ये किस प्रकार का है, ये रासायनिक परिवर्तन है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा। कपूर को जानते हैं ना कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में परिवर्तित होता है, ये ऊर्ध्वपातन के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो वो है आपका सोना। सोना किस अम्ल में घुलता है, वो घुलता है अम्लराज में, सोना किसी और चीज़ में नहीं घुलता है, सिर्फ अम्लराज में। एक सोना हुआ, एक प्लेटिनियम भी है, ये भी अम्लराज में घुलता है। अम्लराज क्या होता है, जिसे एक्वारेजिया भी बोलते हैं, क्या, एक्वारेजिया, ठीक है, रेजिया भी बोलते हैं। ये 3:1 के रेशियो में क्या मिला होना चाहिए, HCl और होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस एसिड, इन दोनों के रेशियो में मिलना चाहिए 3:1 में, तो एक्वारेजिया प्राप्त होता है, और एक्वारेजिया में ही सोना और प्लेटिनियम घुल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माचिस की तिल्ली में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है लाल फास्फोरस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, जो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, तो वो है टाइलिन। जो हमारे मुंह में लार बनता है, उस लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल में विषैला जो गैस मिश्रित पदार्थ है वो कौन सा है, वो है
टेट्राएथिल लेड, ठीक है, जो पेट्रोल में विषैला पदार्थ होता है वो टेट्राएथिल लेड होता है। शुष्क धुलाई या ड्राई क्लीनिंग में किसका प्रयोग किया जाता है, आपने ड्राई क्लीनिंग करवाया होगा अपने कपड़ों का, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है बेंजीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, नीली स्याही बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन, ठीक है, कार्बन डेट्राहाइड का, ठीक है, ये पूरा नाम यहाँ लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है, तो ये होता है विटामिन बी ट्वेल्व का, बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन, ठीक है, साइनोकोबालामिन इसका पूरा नाम होता है। इसे इसे कहा जाता है नॉन वेज विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ नॉन वेज और दूध उसके अलावा मीट मछली में पाया जाता है, लेकिन ये वेजिटेबल और फ्रूट में नहीं पाया जाता, इसलिए इसके नॉन वेज विटामिन भी बोलते हैं, विटामिन बी ट्वेल्व को, और इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो वो है आपका लिथियम, धातु में सबसे हल्की है लिथियम। वसा निम्नलिखित वसा किसमें घुलनशील होता है, वसा किसमें घुलनशील होता है, सोचा सुना होगा ना, फैट, जो फैट है किसमें, जल में तो घुलनशील है नहीं, तो किसमें होता है, ये होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है, ये है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है, एस्प्रिन जो हम लोग बुखार वगैरह होता है तो दवा लेते हैं, उसका रासायनिक नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी सबसे भारी धातु कौन सी है, वो है ओस्मियम, ओस्मियम ओएस, ठीक है, ओस्मियम सबसे भारी धातु है हमारे पीरियोडिक टेबल में, हमारे जितने भी धातु हमें ज्ञात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का शुद्धिकरण किसके थ्रू किया जाता है, किससे किया जाता है, क्लोरीन के द्वारा, क्लोरीन जल में डाल के उसको शुद्ध किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का प्रयोग करके हम कांच पर लिखा हुआ लिख सकते हैं, ठीक है। ये थे आज के 50 क्वेश्चन, ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो पूरा देखिए, और इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव पार्ट जाके जरूर देखिए, ताकि आपका पूरे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप नए व्यूअर हैं तो ये जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए, उसके बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।